हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो कि दीगर IDEs की तरह जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उनकी जगह जो है वो उनकी तरह एक उसी तरह का एक IDE है जिस तरह आपका PyCharm है। लेकिन ये बेसिकली आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपना लाइव कोड जो है वो रन कर सकें और उसके आउटपुट एट द सेम टाइम उस पर देख सकें। ये वेब बेस्ड बेसिकली सॉल्यूशन है जो जुपिटर नोटबुक है। आइए इसको देखते हैं। प्रीवियसली इसको जो है वो इसका नाम पहले जो था वो IPython नोटबुक होता था और बाद में इसको चेंज करके जैसे ये इवॉल्व हुआ तो इसको चेंज करके इसका नाम जो है वो जुपिटर नोटबुक रख दिया गया। जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो दो डिफरेंट तरीके से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। एक तो पिप इंस्टॉल के ज़रिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो, और दूसरा तरीका ये है कि आप ये एक पैकेज का हिस्सा होता है जिसको उस पैकेज को एनाकोंडा कहते हैं, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। एनाकोंडा जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर तो आप उस एनाकोंडा के इंस्टॉलेशन के साथ ही बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो मॉड्यूल्स, डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम के ऊपर, जिनमें से जुपिटर नोटबुक भी एक पैकेज है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाके एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से सर्च करें तो आपके पास एनाकोंडा की वेबसाइट आ जाएगी। उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो पहले कॉन्टिनम के नाम से होती थी, आजकल जो है वो anaconda.com के नाम से वो वेबसाइट जो है वो ऑपरेट हो रही है। आपने सिंपली इंडिविजुअल एडिशन के ऊपर जाना है और वहाँ से जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप डाउनलोड्स पे चले जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, इधर ये लिनक्स है, मैक है या विंडोज़ है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो विंडोज़ का भी मेरे पास 64 बिट का जो है वो जो विंडोज़ है वो चल रही है तो मैं उसका 64 बिट का इंस्टॉलर जो है वो यहाँ से डाउनलोड करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक सॉफ्टवेयर जो है तकरीबन 450 MB का वो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जो इसका इंस्टॉलर है। उस इंस्टॉलर को डाउनलोड होने में टाइम लगता है, मैंने इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे ही मैं उस इंस्टॉलर को इस फाइल को आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो फाइल है डाउनलोड्स वाली, ये मेरे पास एनाकोंडा 3 ये एक्जी फाइल जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ सेटअप लोड होता है, सेटअप लोड होने के बाद मेरे पास ये इंस्टॉलेशन की विंडोज़ मेरे सामने आ जाती है। अब इसमें बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप ये जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं उन्हीं पे चलें, आप जो है वो उसको वो ना करें, आप एक ही यूज़र के लिए इसको डाउनलोड कर लें। वैसे आपकी मर्ज़ी है, तमाम यूज़र्स के लिए करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एडिशनल सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। आप मेरा ख्याल है कि आप जो रिकमेंडेड है उसी के ऊपर जाएँ। इसके अलावा पाथ वगैरह अगर आपने चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसका पाथ आपको डिफरेंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसको जैसे ही जो है वो ये लोकेशन का कह रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ से नेक्स्ट दबाऊँगा तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन में डिपेंडिंग अपॉन के कितना आपके सिस्टम की क्या स्पेक्स हैं उस हिसाब से ये टाइम लेगा। खैर एनीवेज इसको तकरीबन 2.7 GB की स्पेस रिक्वायर्ड होगी और इतनी स्पेस उसको जो है वो चाहिए और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है आपके पास तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपनी सर्च बार में जाके आप लिखेंगे एनाकोंडा तो आपके पास, अगर ये आपके उस पर इंस्टॉल है तो एनाकोंडा के डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। इनमें से जो है वो एक ऑप्शन आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है। आपने सिंपली जब जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी है तो आपने बेसिकली जब एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाता है तो बहुत सारे पैकेजेस जिनमें कि जुपिटर नोटबुक शामिल है वो इंस्टॉल हो जाती है और नंबर ऑफ़ पैकेजेस, नंबर ऑफ़ फ्रेमवर्क्स जो है वो एनाकोंडा में जो है वो शामिल होते हैं और वो इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। तो एनीवेज जुपिटर नोटबुक को चलाने का क्या तरीका है कि वंस आपने जब एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया तो एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली इस डायरेक्टरी के अंदर जुपिटर स्पेस नोटबुक
टाइप करके एंटर दबाएंगे तो ये जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट कर देगा कुछ थोड़ा टाइम लेने के बाद। तो थोड़ा सा मैं आपको ये इस सिलसिले में ये बताता चलूँ कि जो जुपिटर नोटबुक है ये हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि बहुत सारे जो आगे हमने काम करने हैं उसके लिए ये हमें एक स्पेशल किस्म की जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए जो कि ये नोटबुक प्रोवाइड करता है। अब नोटबुक जो जुपिटर नोटबुक है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जिनमें से पाइथन एक है। तो जब भी जो है वो आपने ये सपोज़ आपके पास नोटबुक ओपन हो गई है, इसका ये लोकल होस्ट है ये ओपन हो गया है और यहाँ से आप अपनी जो ये डायरेक्टरी आपके पास आ रही है जो भी डायरेक्टरी है और यहाँ से आप अपनी नई नोटबुक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप ज़ाहिर है पाइथन 3 पे जो है वो आप काम करना चाह रहे हैं तो जो लैंग्वेजेस अभी तक इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में पाइथन 3 है तो आप पाइथन 3 की नोटबुक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप स्टार्ट करेंगे वो आपको एक नए टैब के अंदर जो है वो एक नोटबुक खोल के आपके सामने ले आएगा। तो ये था तरीका जी आपको आप अपने सिस्टम के ऊपर जुपिटर नोटबुक कैसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल करने का तरीका। मैं ख़ुलासा अगर कर दूं इसका तो आपको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस जो है गूगल पे सर्च करके उसका जो भी इंडिविजुअल एडिशन है वो डाउनलोड करना है और उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप एनाकोंडाज अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत सारे पैकेजेस के साथ ही आपके पास जो है वो एक जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लेटर वीडियोस में जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।